अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट पाट होंगे। और आज मैं आपके लिए आया हूँ एक और पबजी का ब्रांडेड न्यू गेम प्ले सीखा हुआ। आज हमने इसको बारबेक्यू पे बनाया है, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। और उम्मीद है आप लोग बहुत सही होंगे, बहुत ठीक ठाक होंगे, आपके वालिदैन बहन भाई सब ओके बेहतरीन होंगे। तो आज हम जा रहे थे जॉर्जीपुर, उससे पहले मेरा एक बहुत आप लोगों की दुआओं की वजह से जिस मेरी कज़न को हुआ था कोरोना, जिसको मैंने आपको बताया था, वो सही हो गया है। लेकिन उसके बाद एक मेरा बहुत बहुत प्यारा भाई पबजी में मुझे मिला, बहुत अच्छा खेलता है और इखलाक का बहुत अच्छा है, मतलब बहुत सही इंसान है वो, ठीक है। तो उसका नाम मिंटो है, उसको कोरोना हो गया है। तो प्लीज़ प्लीज़ जैसे आपने पहले दुआ की थी वैसे ही दुआ करना, क्या पता वो भी अल्लाह उसको प्लीज़ शिफा दे दे और फिर वो हमारे पबजी में दोबारा खेलना शुरू कर दे। तो भाई ऐसा था कि हम जा रहे थे जॉर्जीपुर, आप लोग दुआ करना, आप लोगों की दुआओं में बहुत असर होता है, आप लोगों को नहीं पता। और आज हम जा रहे थे जॉर्जीपुर गोरे गोपाल कंटेनर्स की जगह पे। मैंने सुना है कि जो अगला सीज़न होगा ना, उसमें जॉर्जीपुर के बराबर में ना एक हवाई जहाज़ खड़ा कर दिया जाएगा। ऐसे होता है ना अक्सर बंदरगाह पे के एक जहाज़ खड़े होते हैं, वैसे ही अब जॉर्जीपुर के बराबर में एक हवाई जहाज जो होता है ना, जहाज़ पानी का, वो खड़ा हुआ बड़ा सा टाइटन जैसा। तो भाई ऐसा था कि फाइट वाइट चल रही थी बहुत सही किस्म की, तो मुझे एक बंदा, मैं उछल रहा हूँ, ऐसे भी उछलता हूँ मैं, लेकिन एक बंदा नज़र आता है रीलिंग से पार करने के लिए, मैं उछलता हूँ। और ये बंदा बहुत लो होता है, गन वन भी ऐसी नहीं होती, इसके बाद एक गोली में उसको लगती है UMP की और ये मर जाता है, ना वेस्ट होती ना हेलमेट होता, वैसे भी ख़त्म हुआ होता है बंदा काकड़ी। तो हम लोग लूट वूट करते हैं, फिर हमको अगर नेक्स्ट कंटेनर्स पर मिल जाती है DP, हम रेड रोड ला के, यहाँ पर एक वाइट सूट में बंदा होता है, वो फिर रहा होता है और बिल्कुल ओपन होता है। इसको जब मैंने गोलियां, मतलब 47 में से ना इसको 1 HP बचा, बिल्कुल 1 HP। और अब भाई जी इतना ख़तरनाक कैंप करता है, इतना OP किस्म का कैंप करता है, सामने वो कैंप कर रहा है, पीछे एक बॉट आ जाता है, इस बॉट बॉट को मारेंगे अपन। कमेंट कर दिया करो यार आप लोग, और लाइक करा करो, लाइक नहीं करना अभी, डू नॉट लाइक अभी मत करना, आप एक ऐसा सीन देखोगे ना फिर लाइक करना। तो वो बंदा उसको यहाँ से आ रहा था, उसको पता नहीं था मैं यहाँ पर, वो बिल्कुल देखो शॉक हो जाता है एकदम, ठीक है। फिर हमने की लूट M4 थी उसके पास, बहुत सही 3X था, मज़ा आया था 3X M4 उजी रेड डॉट, आए हाय 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 हाय, बस और कुछ नहीं चाहिए। फिर हम लूट कर रहे होते हैं तो साउंड आता है जॉर्जीपुर सिटी, जो ब्रिज रिवर क्रॉस करके ना, वहाँ से ये दो बॉट होते हैं, एक बॉट होता है एक रियल होता है, और वो रियल बंदा बहुत ज़्यादा नूब होता है शायद। तो मैं यहाँ से स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ कि मुझे बंदा बंदा नज़र आए कोई, लेट के DP का स्प्रे ख़तरनाक सबको पता है। तो ये वाइट दरवाजे के पास देखना, एक जैसे गोली चलती हूँ तो फ्लैश चमकेगा, एक मिनट अभी दिखाऊंगा मैं, यहाँ पे देखो अभी दिखा, ये देखा चमका था ये भी, तो इसको तो 2-3 गोलियों में ये पूरा हो जाता है। उसके बाद ये बंदा भागता है बग्गी से, कार के अंदर जाके बैठ जाता है ये, अब वो बंदा कार में आके बैठ चुका है। और मुझे यहाँ पे हल्का सा दिख, तो मैं बस रैंडम एक स्प्रे देता हूँ, क्या पता वो कार में बैठ चुका गया हो। और फिर एक गोली, मतलब एक गोली चलाता हूँ मैं बस, और वो लग जाती है, और फिर समझ में आ जाता है भाई बंदा वहीं पे, अब उसको बस मारना है। और वो बंदा पता नहीं क्या नूब होता है या पता नहीं क्या मसला है, बिल्कुल ही ना वो हिलता ही नहीं, मतलब मैं यहाँ गोली मारे जा रहा हूँ, वो पता नहीं हील कर रहा है या ऑफलाइन है, मुझे तो ये ऑफलाइन लग रहा था। और अभी कार आगे निकालता तो ये गया, देखो ये कार अभी अभी निकली थी, उसको मार दिया, बॉट वॉट भी मर गया। फिर यहाँ पे एक रियल बंदा होता है जो कि रैंक पुश कर रहा होता है, और जोन भी आगे चले जाता है, तो वो वैसे भी रुक जाता है। तो फिर हम मिल जाते हैं उसको, तो हमसे मुलाकात बहुत बुरी जाती है, और फिर इस तरह करके ये भी मर जाता है। 6 किल मेरे जॉर्जीपुर में आप कह सकते हो कि हो चुके हैं, DP M4 पे 6X, DP पे 3X। फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, 5 बंदे बचे, और आज मेरा थोड़ा दिल कर रहा था कि मैं करूँ कैंप। मैं अभी ये फास्ट फॉरवर्ड वीडियो खेल रही है, विदिंग का बंदे कैसे मेरे सामने से ऐसे फिर रहे होंगे, कोई कहाँ जा रहा है, ड्रॉप सामने, मुझे परवाह ही नहीं थी कैसे मर रहा है। अभी एक बंदा ऐसी खिड़की से गेट पे, फिर दोबारा खिड़की पे जाएगा, मैं नहीं मार रहा था, मैं आराम से, मैं टोटल चिल था, बहुत बहुत मज़ा आया मेरे को। ये देखो ये ऐसे फिर रहा है, ये इधर जा रहा है। अब जब मैं हिला हूँ ना, तो उसको साउंड आ गया मेरा यहाँ पे,
तो वो फिर पूरी बिल्डिंग में देखता है कि मैं कहाँ हूँ कहाँ हूँ कहाँ हूँ, उसको मैं मिलता ही नहीं। वो मतलब ये देखो कैसे मेरे सामने से गुजरा। और अब मुझे लगा कि शायद उसको शक हो गया है, तो अब करना पड़ेगा। और जब साउंड यहाँ से रहा तो मैंने बोला यहीं जंप करते हैं, जो भी दिख जाएगी। दो बंदे बचे हैं सिर्फ, और ये देखो ये इसको तो मौका ही नहीं मिला। अगर मैं ज़मीन पे कूदता फिर चाहे ही मुझे मार देता, पर यहाँ तो कोई मौका ही नहीं था। और अब देखो सस्ते समन बॉन्ड की नशे क्या होगा, क्या हो सकता है। मुझे लगा बंदा है मेरे इस तरफ सामने, तो लाइक कर दो देखो प्लीज़। तो मैंने पहले ये वाला डांस किया, फिर कैंसिल करके ये वाला डांस, और फिर मैं अचानक से बैठ गया। ये डांस कंप्लीट भी नहीं किया क्योंकि मुझे लगा यार अगर किसी ने सामने से ऑम मार दी एक ही तो मैं तो गया, गेम पूरे ख़राब हो जाएगा, ये थोड़ी करना है। फिर मैं ऐसे फिर भी रहा था तो मुझे बंदा मिलता ही नहीं है। मैं ऐसे फिर आगे जा रहा होता हूँ तो स्प्रे आता है और यहाँ मैं मर जाता, लेकिन जैसे मैं लेटा ना तो वो दीवार पे गोलियां लग गई, मैं बच गया। और अब देख रहा मैं हील कर रहा हूँ, मेडकिट टक रही है, वो बंदा मेरा एंगल लेने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से वो मुझे इजीली मार सकता है, 0.2 पे आगे मैंने ख़त्म किए। और फिर मैं दोबारा कर रहा हूँ, इतना मतलब था इस बार चांस आराम से था, और ये निकला भी था मारने के लिए, बस कुछ ना समझ में आ रहा क्या हो रहा था यहाँ पे। जब जब मेडकिट लग गई और ये फिर से नेट वेट किया, रोटी गुलियाँ वुलियाँ दी, नेट फटा। और जब अक्सर ये होता है अगर आपने लास्ट बंदे को थोड़ा सा स्प्रे दिया है ना वो हील कर लेगा तो फिर आप हार जाओगे। ऐसे ही होता है अगर आपने 4v4 चल रहा है ना बिल्कुल लास्ट में और आपने किसी को स्प्रे दिया है। ये ऐसी नेट पे करते हुए आ रहा था, मैंने उसको टेम्पो कोड से मारूँ, फिर मैंने बोला चलो छोड़ो टेम्पो से मार देते। 4v4 चल रहा है लास्ट में और आपने सामने वाले के दो डाउन कर दिया, वो अगर दोबारा रिवाइव हो जाते फिर आप मर जाओगे, ये अक्सर मैंने देखा। तो बस आज के लिए इतना ही था, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। छोटी सी वीडियो आजकल मैं अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि इतना कुछ खास टाइम नहीं होता। आप लोगों का बहुत शुक्रिया मेरे लिए टाइम निकालते हो, मेरी वीडियो देखते हो और लाइक करते ना, कमेंट करना प्लीज़ कमेंट करना। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, वालदेन का बहुत सारा ख्याल रखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।